हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कैसे बनती है बिजली। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। कोयले से चलने वाले बिजली घर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला को जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है जिसके ऊपर बॉयलर होता है जहां पानी भरा है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी, इसलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे पाइप में घूमते हैं जिसमें पानी बहता रहता है। यह गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। भाप के वेग से यह जोर से घूमने लगती है। यह जितनी तेज घूमेगी हमारा बिजली वाला तार उतनी ही तेजी से घूमेगा और उतनी अधिक बिजली पैदा होगी, इसलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव और ऊंचे तापमान से लाया जाता है। टरबाइन हमारी उस छड़ से जुड़ा है जिस पर तार बंधे हैं और जो चुम्बक के बीच में रखा है, इसको जनरेटर कहते हैं। टरबाइन के चलने से यह छड़ घूमती है और उससे तार जो चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है, अब फेरेद नियम लगना शुरू हो गया और शुरू हो गई तार में बिजली बहनी। यही बिजली फिर स्विच यार्ड में ले जाई जाती है जहाँ से ये पारेसर प्रणाली यानी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे घरों, कारखानों, दफ्तरों में पहुँचती है, लेकिन यह एक अलग कहानी है। अभी तो हमें यह देखना है कि टरबाइन चलाने के बाद जो भाप है उसका क्या करें। इसमें से बहुत ऊर्जा निकल गई है लेकिन यह अभी भी काफी ऊंचे तापमान पर है। इस भाप को ठंडा करने वाली मीनार या कूलिंग टावर में ले जाते हैं जहां इसे पाइप में डाला जाता है और इसके चारों ओर ठंडी हवा घुमाई जाती है जो इसकी गर्मी को ले लेती है और यह भाप वापस पानी बन जाती है। इसे दोबारा फर्नेस में ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारे असली बिजली घर की एक रूपरेखा। क्या आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि कोयले के अलावा और भी किसी तरह से बिजली बन सकती है? बहुत लोगों ने भाखड़ा नागल का नाम सुना होगा या देखा होगा कि कैसे पर्वतों में पानी को रोककर बांध बनाकर भी बिजली पैदा की जा सकती है। इसे कहते हैं जल विद्युत या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें भाप की जगह ऊंचाई पर इकट्ठा हुए पानी को बहुत वेग से नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है जिससे वह चलने लगती है। इस तरह के बिजली घर कोयले से चलने वाले बिजली घर के मुकाबले कम प्रदूषण करते हैं, क्योंकि ना तो इनमें कोयला जलने से प्रदूषण होता है और ना भाप की वजह से आसपास के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि बिजली कैसे बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।